सलाम वालेकुम, मैं फहमीदा, अपने रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारा एक अंडा करी, जिसके लिए हमने 8 अंडे ले लिए हैं, इनको उबाल लिया है, उबाल के छील लिया है, और ये 4 टमाटर पीस लिया है, इनका पेस्ट बना लिया है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये थोड़ी सी हल्दी है, 1 चम्मच धनिया है, 1 चम्मच मिर्ची है, ये कश्मीरी मिर्च, ये दालचीनी है, 8-10 काली मिर्ची है, ये लौंग, ये 2 हरी मिर्ची काट लिया है, और 1 प्याज काट लिया है, ये हरा धनिया है, ये नमक 1 चम्मच। गैस ऑन करके हमने कढ़ाई रख लिया है, और कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें तेल डाल देंगे, तेल हम 2 चम्मच करीब डाल देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब हम इसमें गर्म मसाला डाल देंगे, और प्याज भी डाल देंगे, और इसको ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन हो चुका है, हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें ये टमाटर पीसे हुए डाल देंगे, और ये मसाले भी डाल देंगे, सब डाल देंगे, और इनको अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इसमें मसाला हमारा भून जाएगा, और अंडे फ्राई कर लेंगे। हम मसाला भूनता है तब तक हम अंडे तल लेते हैं। पहले हम अंडों में कटर लगा लेंगे, इनमें मसाला अच्छे से चला जाएगा, तो वो टेस्ट आएगा। इनमें हम थोड़ा सा तेल डाल के गर्म कर लिया हमने, और तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें अंडे फ्राई कर लेंगे। सभी अंडे डाल लेंगे हम इसमें, कलर अच्छा आएगा, और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च भी डाल देंगे, और इनको अच्छे से हिला लेंगे। हो चुका है, हम इनको अलग साइज में डाल देंगे, और मसाला देख लेंगे। मसाला हमारा भुनने लगा है, अब हम थोड़ी देर और भुनेंगे इसको। मसाला हमारा भुन चुका है, देखिए इसमें तेल भी अच्छे से छोड़ गया है। अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे थोड़ा सा, और ये मिर्ची, हरी मिर्ची डाल देंगे, और इसमें अंडे डाल देंगे, अंडे डाल के अच्छे से भुनाई कर देंगे। और इसमें जितना आप चाहें इतनी कड़ी कर सकते हैं। भुन चुके हैं, अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। हमने 2 कप डाल दिए हैं, अब हम इसको उबाल आने के 5 मिनट बाद तक पकाएंगे, और इसको सिम करके ढक के रख देंगे उबाल आने के बाद। 5 मिनट तक हमने पका लिया है सालन, अब हमारी अंडा करी तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा धनिया पत्ता डाल देंगे, और इनको सर्व कर लेंगे। तैयार है हमारी अंडा करी, अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। तैयार है हमारी गर्मा गर्म अंडा करी, आप भी बनाएं, ट्राई करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।